Nice to meet you. Likewise. कैसे हो? आप हमारी चाय पीने आए? अलीजे ने अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया होगा। अलीजे तुमने विन किया है। मैंने तो हर वो बात दोहराई जो तुमने पहले से बोली थी। We're so proud of you, Varun. Thank you so much. शेरी तुम यहाँ? प्यारे के साए में बीज थे बोए। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? लगता है मेरा आना अच्छा नहीं लगा सुबह। हाँ नहीं अच्छा लगा। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? शेरी ऑफिस वाला पर्सनल स्पेस है। पर्सनल स्पेस? वेल सेड। पर्सनल स्पेस ही तो लग रहा था तुम्हारा। मैं जिस तरह तुम्हारा वो बॉस, क्या नाम था उसका, उमर, जिस तरह तुम्हें हग कर रहा था ना, वाकई तुम्हारा पर्सनल स्पेस ही लग रहा था वो। क्या कह रहे हो तुम शेरी? क्या बोलना चाहते हो? वैसे वो मेरी इज्जत करती है उनकी। उनकी मेहनत से मुझे प्रोजेक्ट वापस मिला है। बहुत परस्यू किया उन्होंने क्लाइंट को मेरे लिए। ओह, यानी तुम्हारी खातिर कंपनी का नुकसान भी करने लगे थे वो। व्हाई इज ही डूइंग वन ऑफ दिस? हां बताओ ना मुझे। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। शेरी कौन हो तुम? तो वो शेरी तो वो ही नहीं। वैसे तो तुम्हारी हर चीज में नजर होती, हर चीज पे। उसे भी तू कह सकती थी ना, मत हाथ लगाए तुम्हें। अरे for God's sake यार, we were happy, it was just a gesture. अच्छा, यानी कोई अगर happy हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। Cherry, I can't take this. तुम सो रही हो? नींद आ रही है मुझे, लेकिन मुझे नहीं आ रही, इसलिए उठो, बात करनी है तुमसे। उठो ना, कुछ दिखाना है मुझे तुम्हें। क्या? ये देखो, यही है ना? हाँ देख ली। यही है ना उसकी प्रोफाइल? किसकी? उमर की, तुम्हारे बॉस की। ये तो लिखा है सिंगल है। Oh my God, Sherry, this is insane. तुम इतने तंग नजर कैसे हो सकते हो? पछता रही हो ना? चलो अच्छी बात है, दोनों मिलके पछताते हैं। लाइट ऑन करो, आज कोई नहीं सोएगा। आज हम उमर के बारे में बात करेंगे और तुम मुझे सब कुछ बताओगी इसके बारे में। Go on. Are you serious? Yes, I'm serious. जब माइग्रेन होता है। I don't care. Come on, शुरू हो। Good morning, sunshine. Good morning. बहुत प्यारी लग रही हो आज। इतना लेट हो गया, तुमने मुझे उठाया नहीं। वो मेरा ब्लू सूट निकाल दो प्लीज। सूट के साथ तो व्हाइट शर्ट ज्यादा बेहतर लगेगी। नहीं
ला दो। That's better. क्या ख्याल है? तुम्हें मेरी राय की क्या परवाह? तुम्हारी राय तो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। क्या हुआ? जब ये बेव को बोलती है ना, दिल चाहता है इनका गला दबा दूं मैं। तुमसे और कोई उम्मीद तो नहीं लगाई ना सब? सर्व करिए आज। नहीं, सबको डिफरेंट सा लग रहा है। कैसा डिफरेंट? बस अलग सा लग रहा है, नॉट द सेम। मुझे क्यों इस तरह घूर रहे हैं बाबा? खुशी ऐसी नापकिन का यार। हे यू गो टिश्यूज, हाथ ही तो पहुंचने हैं। Why create such a mess for nitty-gritty issues? True. Koi fark nahi padta. Seriously? Koi fark nahi padta. Agli dafa agar aapke kapde Sherry ke kamre mein se milenge, what's the big deal? Aliza, hame kuch cheezon ki aadat hai. Fair enough. I'm just getting late for work. Main chal. Nashta to karo beta. Nahi baba, Bashir, garam chai le aana. Suno, driver ko keh diya maine uske saath hi rehna tum, theek hai? Nahi. मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना, मुझे अपनी गाड़ी की आदत है, मैं उसी पे जाऊंगी। तुम्हारी कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी रात को? वो तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा के चली गई है। टेक इट इजी बेटा, तुम्हारी भाभी है ये, इसका भी उत्साह ही घर है जितना तुम्हारा है। भाई हर वक्त तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारे जाने के बाद तो घर उसी ने संभालना है। ये हर बात को रद्द करना, चैलेंज करना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तंग आ गई हूँ बात सुन सुन के। मुझे जाना है, मुझे जाना है। आपने उसको इतनी हौसला अफजाई दे दी है कि घर सारा उलट पुलट हो गया। लुक एट द स्टेट। पापा, ये घर पहले मेरा है। बहुत ही दिमाग खराब है इसका। She needs to be fixed. बशीर, क्या है? आपको मेरे जाने का बहुत इंतजार है ना बाबा? चले, मेरे जाने के बाद आपको काफी एक्टिविटी मिल जाएगी। सर, वो आपने रिपोर्ट चेक कर ली? कौन सी रिपोर्ट? सर, आपने खुद ही तो बताई थी, आप शायद भूल गए। तुम मुझे करेक्ट करोगे? और बैठे क्यों?
मैंने तुम्हें कहा है बेटे को? सॉरी सर। क्या हो गया सर, आपकी तबीयत तो ठीक है सर, घर में सब खैरियत है? तबीयत ठीक है? मैं तुम्हें काम कह रहा हूं, तुम मेरी तबीयत का पूछ रहे हो? Who gave you the right to be personal with me? Get out of my office! Hello? मैडम आपका ड्राइवर बात कर रहा हूँ, अमीन, आपको लेने के लिए आ गया हूँ, सर ने भेजा है। आप घर वापस चले जाएं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैडम सर का हुक्म है। देखिए मैं सर को बता दूंगी, डोंट वरी। ओके। अरे तुम कब आ गई दबे पाओ? बस अभी आए हूँ, आपकी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। थकाने हमारे यही होते हैं, माँ का घर, उसका बिस्तर, इसका कमरा, पता नहीं भेजा क्यों जाता है। ऐसे नहीं कहते बेटा, होता है शुरू शुरू में ना बहुत घर की याद आती है, बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो जाता है कि असल मंजिल शौहर का घर ही है। होता है ऐसे, लेकिन तुम घबराना नहीं। घबरा नहीं रही हूँ मैं, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि बेटियों को भेजना नहीं चाहिए। हे अली से क्यों डरा रही हो मुझे? किसी ने कुछ कहा है? शेरी तो नहीं है गुस्से में? तुमने तो नहीं कुछ किया? नहीं माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस वैसे मेरा दिल नहीं लग रहा। और शहरी वैसा नहीं है जैसे मैं समझती थी उसे। वो क्या है मुझे नहीं पता, और टू बी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं करना। क्यों पता नहीं करना बेटा? यही तो दिन होते हैं एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने के लिए। और वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसको समझना चाहिए, ये फर्ज है तुम्हारा। तुमने हार नहीं माननी। देखो ससुराल जो है ना वो मैका नहीं होता, ठीक है? वहां जगह बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और ये सारे फराइज मेरे ही हैं। माँ मैं हार नहीं मान रही, आपको पता है मेरा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। बट शेरी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, और मुझे थका देने वाले रिश्तों में रहने का कोई शौक नहीं है, मूड भी नहीं है मेरा टू बी ऑनेस्ट। शादी कमिटमेंट होती है, मूड नहीं। मुझे लगता है तुम अपने आप को खामखा में बहुत उलझा रही हो। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम ना अभी शुरू शुरू में हर बात उसकी मानो, सब हुक्म बजा लाओ, तुम देखना वो किस तरह तुम्हारे काबू में रहेगा और तुम्हारा ही राज होगा। बाप पिंजरे में राजा नहीं रहते, कैदी रहा करता है। आपको मेरी कोई बात समझ क्यों नहीं आ रही? शेरी का फोन। हेलो हेलो जी 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 बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं घर पे खाने के लिए क्या पका है? मैंने चिकन कोरमा और पुलाव। यम्मी, मैं सोचा था आपके साथ आके खाना खाऊं। हाँ हाँ जरूर बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है, जरूर आओ। ओके ग्रेट, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। माँ अभी फोन करें और मना करें कि आप कहीं जा रही हैं। प्लीज अलीजे, कैसे मना कर दूं, दामाद है वो इस घर का। आखिर हुआ क्या है जो तुम ऐसे कह रही हो? माँ वो वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। बेटा सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद आपको ऐसे लगते हैं जैसे आप एक नए शख्स से मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ इसमें जरा कोशिश करनी पड़ती है। एक तो तुम आजकल के लोग ना पैवन लगाते हो ना मुरम्मत करते हो, बस फौरन हर चीज खत्म। लेकिन बार बार मुरम्मत करने से रिश्ते खोखले और कमजोर हो जाते हैं।
माँ को समझ नहीं आ रही, वो वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। अच्छा बस मुझे नहीं पता करना, अभी मुझे इंतजाम करना है। माँ मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, मैं उससे नाराज हूँ और आप उसकी खातिर मदारत कर रही है। क्यों भाई, मेरा दामाद है वो। जी शरीफ भाई, कैसे याद किया? अरे तुम्हें भूलता ही कब हूँ जो तुम्हें याद करने की जरूरत हो। अच्छा कहाँ हो तुम? पिक करने आ रहा हूँ तुम्हें। काम वाम नहीं कर रहे क्या? वैसे भी आज तो मैं सिटी कैंपस में हूँ। अच्छा ग्रेट, बस मैं पिक करने आ रहा तुम्हें। ओके क्यों, खैरियत है ना? वीजे तो ठीक है? अरे हाँ यार, वीजे इज फाइन। अच्छा मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, फिर हम घर जा रहे हैं। घर? हाँ हाँ, तुम्हारी तरफ। मैंने कुछ ऑर्डर किया तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या? अरे वो तो सरप्राइज है ना। मेरे लिए सरप्राइज? यकीनन दाल में कुछ काला है। तुम्हें 1% भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना? Exactly, 1% भी नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हारा ट्रस्ट भी जीत लेंगे। बस पहुंच रहा हूँ मैं 5 मिनट्स में, रेडी रहना। Okay guys, I have to leave. हाँ का? Okay, I see you. आ जाओ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो रमजा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं शेरी भाई? बिल्कुल ठीक। देखो कैसा सरप्राइज दिया तुम्हें आज। सीरियसली आप मेरे लिए कुछ लेकर आए? ये चल क्या रहा है आखिर? रिश्वतें हैं। याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें चीज प्लेटर बहुत पसंद, और तुमने सिर्फ एक दफा खाया वो प्लेटर। अच्छा अब बता भी दे, क्या इतनी तगड़ी रिश्वत हो भी, क्या वजह है? ना ही तो ये रिश्वत है और ना ही तगड़ी। तगड़ी रिश्वत तो होगी टर्की का ट्रिप। तो मुझे साथ साथ इम्प्रेस भी किया जा रहा है, चलिए देखते हैं। तो बाबा ना ये दरवाजा नहीं ठीक कराते, इतनी मुश्किल होती है हर दफा खोलने में। कोई बात नहीं, करा देंगे। ओह व्हाट अ सरप्राइज तुमको भाई। शेरी भाई आपने भी नहीं बताया कि लीजिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। कैसी हैं? यू नो आई वाज मिसिंग यू सो मच, और मैं लीजिए को कह भी रहा था कि मुझे ले चलो, लेकिन आपको पता है इनको तो टाइम ही नहीं मिलता अपने ऑफिस से। मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, जीते रहो। अरे कहां ठीक है, देखे तो सही अपने पैर का हाल, अभी भी इतना सूजा हुआ। मुझे फोन करती है अपने बेटे को, मैं अपने डॉक्टर फ्रेंड को फोन करता हूँ, वो आ जाता आपके पास। बेटा रहने दो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। शाही भाई मामा की तबीयत अब ठीक है, मैं कल ले गई थी हॉस्पिटल इन्हें। अरे तुम तो रहने दो, नेक्स्ट टाइम आंटी को कोई भी मसला होगा आपने मुझे फोन कर, अपने बेटे को। आई विल लुक आफ्टर इट पर्सनली, ऑलराइट? सुनो वो प्लेटर तो ले आओ। ओ मैं अभी लाई। प्लेटर? कौन सा प्लेटर? वे रमजा की रिक्वेस्ट थी, और तुम्हें पता है रमजा की रिक्वेस्ट को मैं टाल नहीं सकता। खाना लगा दो, भूख लग रही। हाँ बेटा लगवाओ खाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई। लेकिन आपकी तरफ ये कैसा सन्नाटा है? मेरा बेटा तो शादी की तैयारी करके बैठा हुआ है और आप लोग सारे के सारे चुप साध के बैठ गए हो, क्या चल रहा है भाई? बस हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। एक तो हमदानी, तुम जब भी झूठ बोलते हो ना तो पकड़े जाते हो, तो प्लीज आइंदा कोशिश भी नहीं करना। अलीजे और नताशा को बोलना कि वो तैयार रहें, कल शाम को शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी उनको। मेरी बेटी तो सवा भी जा रही है। कब जा रही है वो? हम आएंगे मिलने के लिए। अरे वो तो खुद अलीजे से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। अलीजा कल आई नहीं रीडिंग सर्कल में? हमारे घर पर था, उरूज भी पूछ रही थी कहाँ है ये, मेरी बात तो करवाओ इससे। वो भाभी मैं उसका नंबर भेजता हूँ, आप उससे बात कर ले, वो अपने अम्मी की तरफ गई हुई है। लो भाई, शादी को अभी देने कितने हुए? क्यों गई अम्मी के यहाँ? हाँ मैं समझ गई, तुम लोगों ने बोर कर दिया होगा उसको। उसे थोड़ा सा काम था, वो शहरी गया हुआ लेने के लिए।
तुम तो रहने ही दो हमदानी, क्या दिन लगता होगा तुम्हारे यहाँ उसका। वो तो बहुत लाइवली बच्ची है, जहाँ जाती है सबको अपना गर्मीदा कर लेती है। और एक तुम्हारा घर है, उसकी जो नंद है वो तो भाई साथ में आसमान से नीचे आने को तैयार नहीं है। और शौहर, शौहर का तो अल्लाह ही हाफिज है। और रह गए तुम, तुम तो ना तीन में हो ना तेरह में। इतने प्यार से बेइज्जती करने का हक तो सिर्फ आप ही को है भाभी। अच्छा सुनो, उसका नंबर मुझे जरूर टेक्स्ट कर देना, क्योंकि कुछ शादी की बातें करनी है जो तुम्हारी समझ में तो आने वाली नहीं है, तो मैं उसी से करूंगी। ठीक है, मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करे और कितना पछताओगी इस बात से। पछता तो मैं अब भी रही। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना प्यारे के साए में बीज थे बोए। वाह आंटी वाह, मजा आ गया खाने का। वाकई एक एक डिश जबरदस्त। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मामा सब कुछ बहुत मजे का था। वैसे मेरे ख्याल में ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स तो हर वीक हो जाने चाहिए। क्या ख्याल है शरीफ भाई आपका? आप कहेंगे तो रोज कर लेंगे, खास तौर पे अगर आंटी ऐसा खाना बनाए। अगर ऐसा बनाएंगी तो मैं रोज आया करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो सो मच बटरिंग, आप ना बटर का बिजनेस स्टार्ट कर दें। रमजा बदतमीजी नहीं करो। अच्छा जी मैं चलता हूँ। बेटा तुम्हारे अंकल आने वाले हैं, उनसे मिलके जाना ना। एक्चुअली वो मुझे कुछ काम था, I have to make a few phone calls as well. बस मैं निजा का वेट करता हूँ, 5 मिनट वो आ जाए तो। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक। और अगर 5 मिनट से ज्यादा लग गए लीजे को तो? तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके अलीजे, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाना 5 मिनट तक। अच्छा तुम वेट क्यों कर रहे हो, साथ ही ले जाओ। नहीं नहीं, it's fine, she can take her time. क्या मजाक है लीजे, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा यहाँ पर। तो किसने ये सब करने को कहा था? मैंने तो नहीं कहा, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अच्छा तो मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है? कोई खास नहीं, उसके अलावा क्या जरूरी हो सकता है? मेरी मर्जी और पूरा हक है मुझे इसका। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर और कितना पछताओगी इस बात से। पछता तो मैं अब भी रही हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना आज के बाद मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा। और ये फैसला तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने हर फैसले की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। As you wish. My dad. Hi, बेटा इधर आओ। जल्दी आ। बेटा, कल तुमने और अलीजी ने शाम को तैयार रहना है, रजा की वालदे के साथ शॉपिंग पे जाना। पापा मैं नहीं जा रही, आप अलीजी को भेज दें। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी होने वाली सास है, अलीजी जाए या ना जाए तुम्हारा जाना जरूरी है। मेरी होने वाली सास है ना, पर वो उसको ज्यादा पसंद करती है, अपनी बहू से ज्यादा वो आपकी बहू की तारीफें करती है। क्या बातें कर रहे हैं आप भाई, अगर वो अच्छी है तो सारी तारीफ ही करेंगे ना। और सुबह उसने कौन सी अच्छाई का सबूत दिया डैड, बताए मुझे। उसने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम ही उसे सुना रही थी, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर उनकी आपस की बात है तो हमें बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो घर का सुकून तबाह करे और मैं देखती रहूं, इज दैट व्हाट यू वांट? तामुल से बेटा, तामुल से। कल को तुमने भी दूसरे घर जाना है। बस कर दें बाबा, कल शाम को तैयार रहना बस। मैं नहीं जा रही, वो मुझे बहुत इरिटेट करती है और इतना लंबा वक्त मैं उनके साथ बिल्कुल गुजार नहीं सकती। आप अलीजे को भेज दें। I am not going. इन्होंने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है भाई। तुम्हारी ग्रीन टी। ये तुम्हारे माथे पे इतनी शिकने क्यों है?
कुछ पूछ रही हूँ मैं, लोगों को पूछना नहीं पड़ता। So the man I married, Ramzu. अच्छा ग्रीन टी कैसी बनाई है पी के बताओ ना। मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम्हारी इस झल्दी बहन को ना पहले ही सब पता चल गया था, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अब सब समझ में आ रहा है। तीसरे पहाड़ के दूसरी तरफ ना खाई थी, मुझे नहीं पता था कितनी गहरी है, तो तुम ही बता सकती हो। मुझे ना उससे बहुत डर लगने लगा। मामा को बता दो लीजे, क्या हो गया तुम्हारे सर में दर्द है, सर दुबा दूं तुम्हारा। मैं ठीक हूँ। क्या हो गया है? तुम्हें पता है शादी के कुछ ही रोज बाद मैं और शहरी आइसक्रीम खाने गए थे, वहाँ सलमान भी था। फिर मेरा दिल चाहा कि मैं शहरी को सब कुछ बता दूं, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इंसानों को पढ़के बगैर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब आप शादी जैसे बंधन में बंधे हों, दिल से बंधा हो और कागज पे लिखा हो, और ऐसे में जब दिल ही डरा हो तो दिल क्या करे। रमजू तुम्हें पता है कभी कभी वो ऐसे हो जाता है जैसे मेरा दिल चाहता है कि मैं उस पर जान दे दूं, कभी कभी बिल्कुल चलाक लूंबड़ी। चलाक लूंगी? हाँ, जो हर तरीके से चलाकी से अपने शिकार को घेरती है, हर बार आजमा लेती है। नीचे मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं दौड़ के घर आ जाऊँ अपने बिस्तर पे। लीजे तो मामा को क्यों नहीं बता रही? मैंने बताया था, समझने को ही तैयार नहीं। अच्छा अभी ना तुम सो जाओ सुकून से, मेरे साथ सो जाओ। बेटा अलीजे कहाँ? वो नहीं आई, वो साथ वहां रहना चाहती ना, तो वहीं रहे, मैं भी नहीं जाऊंगा लेने के लिए उसका। कैसी बातें कर रहे हो भाई, तुम्हें उसे वापस लाना होगा, कल उसने नताशा की सास के साथ शॉपिंग पर जाना है। क्यों, उसने क्यों जाना है? अरे नताशा ने साफ इनकार कर दिया, अब हमारे पास अलीजे के सहारे के अलावा कुछ भी नहीं है, खानदान की इज्जत का सवाल है। डैड आपको पता नहीं है उसकी नाक इतनी ऊंची है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को वो। मैं बाहर खड़ा रहा, वो नहीं आए बाहर, फोन पे ही मना कर दिया उसने। What does she think about herself? मैं उसे लेसन दे के ही छोड़ूंगा। देखो बेटा, छोटी छोटी बातों को अना का मसला मत बनाओ, कहीं तुम्हारी बहन का रिश्ता खराब ना हो जाए। तुम्हें उसे लाना होगा अपनी बहन की खातिर, अपने खानदान की खातिर। बाहर ही बैठ के इंतजार करता रहा। पता नहीं अलीजा ने उसको क्या कह दिया, एकदम से गाड़ी तेजी से निकाल के ले लिया। तो वो ऑफिस गई है? नहीं, सो रही है, रमजा भी है उसके साथ। देखिए उसका घर है, 100 दफा आए, लेकिन इस तरह नाराज होके आने का रिवाज बिल्कुल सही नहीं है। मैं कभी गई थी मैं के इस तरह नाराज होके बताए? नहीं, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, हर चीज को सर पे सवार कर लेती हैं। और ये रमजा, वो तो 10 हाथ आगे है सबसे, उसका बस चले ना तो शहरी की हयाली खामियों पे पूरी किताब लिख डाले। तो शुरू शुरू में ही मसले होते हैं, मैं तो सोच के फैसला करता हूँ। देखिए या तो वो आता ही ना, लेकिन वो खास आया अलीजे को लेने, उसकी तो अकड़ ही नहीं खत्म हो रही। अलीसे सोती रहो ना, रेस्ट करो। यहाँ बिस्तर कितना कंफर्टेबल है, जस्ट रियलाइज दिस, आई मिस इट सो मच। व्हाट अबाउट मी, मुझे मिस नहीं किया था तुमने? ऑब्वियसली यार, आई मिस यू टू, आई मिस यू और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या मालूम?
How are you, Baba? I'm good. Kaisi? बिल्कुल ठीक. तुम ठीक सोई? हाँ बहुत अच्छा. अपने घर में अच्छी नींद आती है ना. बेटा मेरा ही घर है ना माँ. अब चाय मिलेगी अपने घर में अपनी. हाँ क्यों नहीं मिलेगी, वो देखो गरम गरम आ गए. हाँ इट्स सो गुड टू बी होम आई स्वेयर. मैं तो साथ लड़कियाँ बड़ी बेमुरव्वत होती हूँ. एक दफा घर से चली जाए ना मैं वापस मुड़ के पूछती नहीं. बाबा आप कभी रुखसत नहीं हुए ना. आपको नहीं पता है रुखसती ना हिजरत की तरह होती है. इंसान थोड़ा इधर रहता है थोड़ा उधर, मुकम्मल कहीं नहीं रहता. True. शेरी को तकलीफ हो रही होगी. तुम्हारी बात हुई है उससे? माँ आपके शेरी को कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी. उसी घर बहुत मुलाजिम है जो उसको मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे पहले जानते हैं. सो जस्ट वरी अबाउट मी ओके. वैसे शेरी भाई ना मेरे लिए तभी तक इम्पॉर्टेंट है जब तक वो अलीजे के लिए इम्पॉर्टेंट है. रमजा लेट मी जस्ट सॉर्ट दिस आउट ओके. नाश्ता करो तुम. तुम ऑफिस देगी? डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर टुडे. आई जस्ट वांट टू रेस्ट. ये गार्डनर नहीं आ रहा काफी दिनों से. उसके ना तुम कान खींचो. जब से तुम गई हो ना उसने आना ही छोड़ दिया है. उठा लो बेटा फोन. आपको याद है बचपन में आपकी उंगलियों से कितना खेला करती थी? याद है. काम ही नहीं करने नींद तुम्हें नींद ही नहीं आती थी उसके बगैर. I still need you, Baba. Still need your care, your reassurance. And I miss you. Miss तो मैं भी करता हूँ. What's the matter? I don't know. I don't know. I just feel very disappointed. I can understand. So it's a date. I said it's a date, right? Whatever. कितनी बड़ी बोर हो तुम. मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम गुजारने को मरे जा रहा हूँ और तुम होकर किसी और ही ट्रांस में बैठी हो. क्या मसला है? What is up? I think I'm a bit preoccupied and I really don't understand that girl's attitude. She's just gets on my nerves. Ah, that nun bhabhi conflict. Nice. Raza. बिल्कुल मजाक के लिए. तुमने मुझे कहा था ना कि वो नतालिया से बेहतर है, पर वो तो जूतों समेत हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है यार. अच्छा मामा तो कह रही थी कि बड़ी स्वीट है वो, बड़ी डाउन टू अर्थ है. जैसा लग रहा था मामा फैन है उसकी. बल्कि वो कह रही थी कि तुम लोग बड़े लकी हो कि वो बहू बनकर तुम लोगों के आ रही है. कुछ ज्यादा ही. काम क्यों नहीं करते हो? तुम ही शादी कर लेते हो उससे. वैसे भी तुम्हारी मामा को बहू से ज्यादा उनकी भाभी पसंद है. ही तो बुरा मान गई हो. मुझे तुम पसंद और मेरी मामा को भी तुम ही पसंद. रही बात भाभी की, उनको छोड़ दो ना उनके हाल पर. Let's talk about us. हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो. You have a beautiful life ahead. And on the brighter side, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होने वाली हैं. I'll appoint an army of servants for you. मेरे दिल की मलका राज करे. प्लीज मुझे इन बातों से ना बहुत गुस्सा आता है. I'm so not used to all this. So do not. तुम्हें पसंद है क्या? सब कुछ तो तुम्हें बुरा ही लगता है. मैं इतनी मुश्किल से तुम्हें ऑफिस से यहाँ लेकर आया कि हम आपस में कुछ बात कर सकेंगे, लेकिन तुम होगे वही फैमिली पॉलिटिक्स. यू वॉन्ट अंडरस्टैंड रजा. यू नो इट्स वेरी टॉर्चरिंग व्हेन यू सी समवन टेकिंग योर पोजीशन. लिसन, वो गरब उसका है और मेरा घर तुम्हारा है, जो तुमसे कोई क्लेम नहीं कर सकता.
forget about everything, just chill. Just get me a Caesar salad. Ramza, उसकी कोई बात हुई है शहरी से? आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, उसको अपना घर, माँ बाप और बहन चाहिए। हाँ, मगर अब उसकी शादी हो गई है बेटा। तो इसका मतलब है दफन हो जाए वो? हमारी भी शादी हुई थी। हाँ, तो आपका घर ऐसा नहीं होगा कि बेटियाँ वापस आए वहाँ? वो वापस आना चाहती है। आपको अली से बुरी लग रही है इस घर में? मुझे क्यों बुरी लगेगी, मेरी बच्ची है भाई। मगर अब शादी हो गई है उसकी। शादी शुदा है तो मतलब उसके सर पे सींग निकल आए। मामा, उसको इस वक्त आपकी जरूरत है, और जो कुछ शेरी भाई ने किया है ना उसके... बस मुझे पता है, ऐसी कोई कयामत नहीं आई होगी। आप कयामत का इंतजार करेंगे? हाँ, पर इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती है आखिर? तो जब तक कयामत नहीं आ जाएगी, कोई लड़की नाराज नहीं हो सकती, शिकायत नहीं कर सकती, अपने घर वापस नहीं आ सकती, ये कह रही हैं आप? अपना घर वो है? नहीं, उसका घर ये है, यही रहेगा। एक तो तुम इतनी नेगेटिव हो, कभी किसी बात का सीधा जवाब ना देना। सवाल ही टेढ़ा है आपका। माफ कर दो मुझे, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। और सुनो, खबरदार तो जाके अलीजे को एक की दस दस लगाए, तो दिल तो करो एक झांपड़ लगाऊं तुम्हें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत जी। इधर ही है, मैं आपकी अभी बात कराती हूँ। जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ जी, खैरियत जी, बहुत शुक्रिया। ये लें, आप बात करें। रज़ा की मदर का फ़ोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी, कैसी हैं आप? आप पूछ रही हो कि मैं कैसी हूँ? हाँ, मैंने तुम्हें 100 कॉल्स की होंगी, तुमने मेरी कोई कॉल पिक नहीं की। लगता है ससुराल का असर आ गया तुम्हें। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तुम्हारे घर आने वाली थी तुम्हें साथ लेकर जाने के लिए, लेकिन तुम तो अम्मी के यहाँ जाकर बैठ गई। नहीं आंटी, आप बताएं क्या काम था? तुम कहीं मसरूफ तो नहीं? मैं तो पूछना ही भूल जाती हूँ। नहीं, वो बस बहन के साथ बैठी हुई थी। रज़ा को ना नताशा पसंद है, लेकिन अगर मेरा दूसरा बेटा होता ना, तो मैं तुम्हारी बहन को अपने घर ले आती। मुझे तो तुम बहुत पसंद। ऐसे नालायक शहरी की ना किस्मत खुल गई, जो तुम जैसी बीवी मिली उसे। अच्छा सुनो, मुझे अपने पुराने कारीगर के पास जाना था तुम्हें साथ लेकर। नताशा तो जा नहीं रही, तो मैंने सोचा तुम्हें ले चलती हूँ, मुझे अच्छा भी लगेगा। जी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी बताना। देखो मंगनी तो हो ही जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी के सारे जोड़े अभी से तैयार करवा लो, थके रिलैक्स होकर लंदन जा सकूँ। और देखो ना, मेरी बेटी तो सवाबी में होती है, तो मैं मेरे घर के और नताशा के घर के सारे काम खुद ही करने हैं, ठीक है ना? तो प्लीज़ जल्दी बताना। जी आंटी, मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ? नताशा मैडम के कपड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। बेटा तुम उनकी बहू हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, तो अगर मैं उस घर में ना होती तो नताशा की शादी ना होती? माँ आप समझ नहीं रही, जितना भी मैं इंटरेस्ट लूँगी, इन्वॉल्व होंगी, उतना मेरे लिए निकलना फिर मुश्किल होगा। निकलना? क्या कह रही हो अलीज़े? उर्दू में बात करिए मामा, निकलना मतलब एग्जिट। मैं तुमसे बात नहीं कर रही रमजा। माँ आई डोंट गेट यू, आप पे क्यों चीख रही हैं? मतलब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी अलीज़े। माँ आई डोंट गेट यू, आप किसी भी तरह के अब्यूज को कैसे नॉर्मलाइज कर सकती हैं ये कह के, क्योंकि सब जगह होता है तो ये नॉर्मल है। मतलब कुत्ते तो सबको काटते हैं ना, दर्द भी उनको होता है जिनको काटते हैं, मर्द भी हो सकते हैं, तो जब ये नॉर्मल नहीं है तो किसी मर्द का अब्यूज करना कैसे नॉर्मल हो सकता है? अल्लाह तौबा अलीज़े, तुम किस कदर वाहियात इल्जाम लगा रही हो, उसने तुम पे हाथ तो नहीं उठाया ना? माँ आई फील सो सॉरी फॉर यू, आप शादीशुदा लड़की के मजबूर औरत सिंड्रोम से बाहर निकल ही नहीं सकती। प्यारे के साए में बीज थे बोए।